हेलो फ्रेंड, प्रियंका कुक 5 PH के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे जबरदस्त और टेस्टी, इसको आप सब्जी भी बोल सकते हैं, कढ़ी भी बोल सकते हैं, और ये कढ़ी बिना दही की बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन। तो बेसन मैंने ले लिया है 250 ग्राम से, थोड़ा सा कम है। आप यहाँ पे 250 ग्राम भी ले सकते हैं, जितनी फैमिली हो उसके हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। तो उसके बाद से मैंने यहाँ पे डाला है एक हरी मिर्च, और ये जो रेड सब्जी है ना, बिना लहसुन बिना प्याज की बनने वाली है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर है, और यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने नमक ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने अदरक भी कूट के डाल दिया है, बिल्कुल महीन बारीक पेस्ट करके। और एक थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, तो इसकी जो पकौड़ी होती है ना, बहुत ज्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। अच्छी का मतलब है कि थोड़ा सा कुरकुरी बनती है और बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम पालक भी है, तो इसका जो मोटा डंठल होता है ना, उसको मैंने निकाल के अच्छे से साफ करके बारीक काट लिया है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, बैटर में डाल देंगे। और ये देख सकते हैं, जो हमारा बैटर सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिया है और एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पे भी ले लिया है। इसका पेस्ट हम बना लेंगे टमाटर का। तो इसको आप मतलब व्रत में भी बना सकते हैं, जैसे कि मतलब लहसुन प्याज जिसमें ना खाना हो, नवरातन हो, तो उसमें भी आप सब्जी ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बैटर को पकौड़ी के लिए बनाया था, तेल गरम हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, डाल देते हैं। तो ज्यादा हमें डालना नहीं है, जितना कढ़ाई में आ जाए उतना ही हम इसको पकाएंगे डाल के। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से जब ये थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा जब हो जाएगा ना, इसके बाद से हम इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पकौड़ी है ना, हमने पहले बेसन को घोल के फिर डाला था। तो इससे क्या है कि बिल्कुल ये हवा जैसी हो जाती है, तेल में अपने आप ही ये ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे तैर रही है सब। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए, हमारी जो पकौड़ी है बनके तैयार है। आप इसको छोटा बड़ा किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमें सबको बना के निकाल लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है दूसरी कढ़ाई। तो कढ़ाई मेरी काली हो चुकी है, इसलिए कि मैंने इसमें जो है केक वुक बनाया है इसके वजह से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा। यहाँ पे तड़का हमें जीरा का लगाना है। थोड़ा हम हींग डाल देंगे इसमें, हींग से भी जो टेस्ट है कढ़ी का बिल्कुल अच्छा आता है। और सावन में बोलते हैं कढ़ी नहीं खाई जाती है, लेकिन आप ये कढ़ी बना के खा सकते हैं, ये बिना दही की है इसके वजह से। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाया था, और इसके साथ साथ हम डाल देंगे यहाँ पे मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देख सकते हैं, जब तक कि हमारा कढ़ाई में से तेल और मसाला अलग ना हो जाए, तब तक इसको हम भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच डेगी मिर्च, इससे जो कलर और थोड़ा सा तीखापन भी आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान रहे कि हमने जो पकौड़ी छानी है ना, उसमें भी नमक डाला है, तो नमक अपने हिसाब से डालिए कि ज्यादा ना हो जाए। तो देख सकते हैं मसाला जो हमारा जो है ना, अच्छे से पक रहा है, और कितना कलर अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो इसे ऐसे ही हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को। और यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रेश मलाई। तो मलाई को मैंने थोड़ा सा इसका जो है क्रीम बना लिया था। आप क्रीम घर पे मलाई से भी, ताजी मलाई से भी बना सकते हैं, और ये मार्केट में भी मिलती है, आप वहां से भी लाके इसमें बना सकते हैं डाल के। इससे जो टेस्ट है ना सब्जी का, बिल्कुल अच्छा आता है, बिल्कुल जो है आपको ढाबे जैसी लगेगी सब्जी खाने में। तो इसमें हम जो है पानी डाल देंगे, तो जिस ना आपको ग्रेवी बनाना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं।
देख सकते हैं मैंने सिर्फ 1 कप के लमसम में पानी डाला है, और ये जो ग्रेवी है ना, जब हम पकौड़ी डालेंगे तो ये बिल्कुल सोख लेगी। तो ये देख सकते हैं 2 मिनट हमने इसको उबाल लिया है पानी को। उसके बाद से जो हमने पकौड़ी बनाई थी उसको हम डाल के अच्छे से हम चला लेंगे। तो ये क्या होता है ना कि ये अभी जो है पकौड़ी, अभी जो इसका ग्रेवी है अभी सोख लेगा। सोखने के बाद बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से हरी धनिया को ढेर सारी धनिया काट लेंगे और अच्छे से ऊपर से हम सजा देंगे इसको। उसके बाद से हम ढक देंगे थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए हम इसको अभी भी पका लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है, और देख सकते हैं सब्जी हमारी जो बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से बन के तैयार हुई है। और इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं, अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो भी आप बना के खिला सकते हैं, और मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो एक बार तो ये जरूर बनाइए रेसिपी, और कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर ले।